दूसरा करंत करण से पत्र दूसरा करंत की पत्र दूसरा करंत करण से पत्र अध्याय 13 अध्याय 13 सेकंड करंत की पत्र अध्याय 13 दूसरा करंत करण से पत्र अध्याय 13 और उसका 5 से लेके 5 से 10 तक कहा सेकंड करंतियन चैप्टर 13 दूसरा करंत करण से पत्र अध्याय 13 उसका 5 टू 10 5 से 10 अपने आप को प्रभु के विश्वास में होके नहीं अपने आप को जांचो क्या तुमने अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम्हें है नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो पर मेरी आशा ये है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े पर इसलिए कि तुम भलाई करो चाहे हम निकम्मे ही रहे क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं करते कर सकते पर सत्य के लिए भी कर सकते हैं जब हम निर्बल तब तुम बलवान होते हो तो हम आनंदित होते ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है कड़ाई से कुछ करना न पड़े तुम्ही स्वतः से परीक्षण करा तुम्ही खरोखर ख्रिस्ती आहात काय तुम्ही कसोटी स्वतंत्रता काय तुमच्या अंतर्यामी तुम्हाला ख्रिस्ताची समक्षता व सामर्थ्य अधिकाधिक जाणवते काय किंवा तुम्ही मुळातच ख्रिस्ती नसून तुम्ही ख्रिस्तीपणाचे निवड ढोंग करत आहात काय या कसोटीस मी उतरलो आहे आणि मी खरोखर प्रभूच आहे हे तुम्ही मान्य करू शकाल अशी मला आशा आहे तुम्ही चांगली जीविते जगावीत अशी माझी प्रार्थना आहे यासाठी नव्हे की त्याचा आम्हाला अभिमान वाढवता यावा आणि आमची शिकवण अगदी योग्य आहे हे सिद्ध व्हावे नाही जरी आम्ही स्वतः तिरस्कृत असे झालो असलो तरी तुम्ही सदोदित योग्य ते करावे अशी हीच आमची इच्छा आहे सर्व काही योग्य गोष्टींना प्रोत्साहन देणे हीच आमची जबाबदारी आहे वाईटाची आशा करणे ही नव्हे तुम्ही खरोखर सबळ होत असाल तर आम्ही अशक्त व तिरस्कृत असे राहण्यात आम्हाला आनंदच आहे आमची सर्वात मोठी इच्छा व प्रार्थना हीच आहे की तुम्ही प्रौढ असे ख्रिस्ती लोक व्हावे मी आता हे तुम्हाला लिहितो व ते ह्या आशेने की तेथे आल्यावर मला तुम्हाला रागवावे व शासन करावे लागणार नाही कारण तुम्ही कारण तुम्हाला शासन करण्यासाठी नव्हे तर तुम्हाला सबळ करण्यासाठी प्रभूने मला दिलेल्या अधिकाराचा मी वापर करावा अशी माझी इच्छा आहे या कंडोळीमध्ये आप को बंद करें उदार देने वाले पवित्र विधान वचन की सेवा को तेरे हाथों में देते तेरा वचन क्या ही सुंदर क्या ही शुद्ध क्या ही पवित्र इसलिए हम ध्यान से वचन सुनने के लिए सहायता करना करुणा दया रखना आज उपास का सातवां दिन है ब्रह्मा सातवां दिन की सुपास प्रार्थना का वचन जो है प्रभु बनाने का तो मेरे महान पवित्र पिता ये वचन इन सबको सुनने के लिए और समझने के लिए और वैसे ही चाल चलन चलने के लिए सहायता करना ये मेरी प्रार्थना है इन सबको तेरे रक्त में सुरक्षित यीशु के नाम से आमीन यहाँ पर प्रभु का वचन कहते हैं वचन इतने मन अपने आप को चेक करो सौदा पर देखो यहाँ लिखा है अनित ही दे पांचवा वचन हम पढ़ेंगे पांचवा वचन वाचो तुम्ही स्वतःचे परीक्षण करा आप अपने आप को चेक करो तुम्ही खरोखर ख्रिस्ती आप सचमुच मसीह हो क्या आप यीशु के पास आए हो इतने साल से यीशु में हो तो सचमुच आप मसीह हो तुम्ही कसोटी सुधरता गए हाँ जब आपकी परीक्षा ली जाती है आपके जीवन में जो परीक्षा आती है और उस परीक्षा की घड़ी में मालूम पड़ता है कि आप मसीह हो या मसीह नहीं हो क्योंकि परीक्षा के समय में हमारे होठों से क्या निकलता है परीक्षा के समय में हम कैसे चाल चलते हैं परीक्षा के समय में हम क्या करते हैं या हमारी जब कोई परीक्षा लेता है या प्रभु परीक्षा लेता है तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी रहती है ये प्रकट करता है कि हम मसीह है या नहीं तुमच्या अंतर्यामी तुम्हाला ख्रिस्ताची समक्षता व सामर्थ्य अधिकाधिक जाणवते काय किंवा तुम्ही मुळातच ख्रिस्ती नसून तुम्ही ख्रिस्तीपणाचे निवड ढोंग करीत आहात हाँ प्रभु के नियम शास्त्र के इस वचन के अनुसार कुछ कुछ लोग जो चर्च में आते हैं चर्च में आने के बाद मैं मसीह हूँ ऐसा दावा करते हैं दिखाते हैं कोई कोई लोग ढोंग भी करते हैं और बताते हैं कि नहीं बाबा मेरा मुझे तो प्रभु से बहुत प्यार है मैं तो प्रभु को बहुत प्यार करती हूँ मैं तो प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ लेकिन जबकि उनका कार्य अलग रहता है अगर उनकी परीक्षा ली गई तो उनके मुंह से गलत बातें निकलती है अगर उनके जीवन में कुछ हो गया ऐसे कुछ बातें हो गई तो वो क्या दिखाते प्रतिक्रिया अरे कुछ गिरा दो बजेवाने ऐसा का केला दिखा क्या रहे हैं वो दिखा क्या रहे हैं दावा करते हैं कि मैं एक मसीह हूँ मैं एक ख्रिस्ती हूँ लेकिन कार्य ऐसे करते हैं काम ऐसे करते हैं जो मसीह के अगेंस्ट अजय ख्रिस्ता के विरुद्ध है वो दिखा तो रहे हैं दावा उधर क्या दिखा रहे हैं कि मैं मसीह हूँ कि मैं ख्रिस्ती हूँ मसीह की निंदा करते हैं ख्रिस्ता की निंदा यीशु के अगेंस्ट बात है यीशु के विरुद्ध बोलते हैं वो बता तो रहे हम क्रिश्चियन है आते सांसद के हम क्रिश्चियन है हम ख्रिस्ती हूँ चर्च में आना पसंद नहीं पर चर्च में देना चर्च में आने को उनको अच्छा नहीं चर्च में देना देना चर्च से लोग बोला तो चर्च से लोग लेकिन कहते क्या है अन बोलता क्या है मैं मसीह हूँ मैं ख्रिस्ती हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ मसीह लोग कहाँ होते हैं ख्रिस्ती लोग चर्च में आना उनको
देखना त्यांना आवडतं. लेकिन जब उनको बोला जाता है जेव्हा त्यांना सांगणे जातं सी हो ना तुम्ही ख्रिस्ती आता आहे ना हां आहे ना चर्च मध्ये ना मुझे नहीं पसंद चर्च मध्ये ना मला नाही आवडत. इतना टाइम तक बैठने का किती वेळ बसायचं इतना टाइम तक बैठ के वचन सुनने का आणि तळ बसून वचन ऐकायचं काल जाते आणि मामला तर कंटाळा येतो. मसी है ख्रिस्ती आहे मसी लोक परमेश्वर येशू मसीह के चरणों में ही बैठना पसंद आणि ख्रिस्ती लोक येशूच्या चरणावर बसणं त्यांना इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि बहुत आयत लोग ढोंगी है आणि खूप लोक ढोंगी आहेत. ढोंगी होने का यानी नाटक यानी कपटी है कि वो दिखा तो रहे हैं कि हम मसीह है लेकिन उनका अंदर वो मसीह नहीं है. अंदर दाखवतात आम्ही ख्रिस्ती पण ते आत्मिक ख्रिस्ती नाही. वो क्या करते हैं ते काय करतात वो दुसरे मसीह को बिगाड़ते हैं. अंदर दुसरे ख्रिस्ती लोकांना बिगडवतात. बाइबल में बताया है बाइबल में सांगितलं की कुछ लोग क्या करते हैं बिगाड़ने का काम करते हैं. काही लोग बिगड़वण्याचं काम करतात. सभी वचन में लिखा है आणि वचनात प्रभु ने हमको बिगाड़ने का नहीं परंतु बनाने का अधिकार दिया. आणि प्रभु ने आपल्याला बिगड़वण्याचं नाही बनवण्याचा अधिकार दिला. मसीह बोलकर चुना प्रभु ने आपल्याला ख्रिस्ती म्हणून निवडलं. हमें मसीह बोलकर चुना ख्रिस्ती म्हणून निवडले तो फिर हमें मसीह बोलकर क्यों चुना ख्रिस्ती म्हणून का निवडला की हम दूसरों को मसीह बनाए की आपण दुसऱ्यांना ख्रिस्ती बनवा. जब उसने पत्रस को बुलाया जब पेत्राला बोलवलं पत्रस मेरे पीछे आ पेत्र माझ्या मागे पत्रस क्या काम करता था पेत्र काय काम करायचा मच्छी पकड़ता था मासे पकड़ायचा है ना फिश पकड़ता था ना मासे पकड़ायचा. उसने क्या बोला आणि काय म्हणाला तू मेरे पीछे हो माझ्या मागे हो मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला तुला माणसं पकडवणारा बनवे. येशू क्या करते करने के लिए आया था. येशू काय करायला आलेला मनुष्य को उद्धार देने के लिए माणसाला तारण द्यायला आलेला आहे. मरकुस के देह में लिखा है कि मैं आया हूं मनुष्य को उद्धार देने के लिए आणि मी आलोय माणसाला तारण देण्यासाठी मनुष्य को बचाने के लिए माणसाला वाचवण्यासाठी. जो काम वो कर रहा है जो काम तो करता है जो मेरे पीछे आएगा जो माझ्या मागे येईल उसको भी वही काम करना त्याला पण तेच काम करायचं. उसी रीति से जब हम येशू के पास आने के बाद आपण येशू कडे आल्यावर हम भी वही काम करना है आपण तेच काम राजमिस्त्री आपला प्रभू आहे ना वो सारी कलीसिया को बांधता है तो पूर्ण मंडळीला बांधतो. इस कलीसिया को बांधने के लिए या मंडळीला बांधण्यासाठी कुछ लोगों को अपने हाथ के नीचे सहकर्मी बोलकर चुना है. आणि प्रभूने काही लोकांना सहकर्मी म्हणून त्याच्या हाताखाली ठेवले. प्रभू आपला राजमिस्त्री आणि प्रभू आपला राजमिस्त्री आहे ना वो सारी कलीसिया को बांध रहा है. सर्व मंडळी तो बांधत आहे. बांध रहा है मतलब कैसे क्या कर रहा है म्हणजे तो काय करतोय. प्रभूने बोला ना हे पत्रस हे पेत्र मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. आणि पेत्र मी तुझ्या माझी मंडळी कलीसिया बांधतो जर मी मंडळी उभारी उसके ऊपर कलीसिया बांधना मतलब क्या मैं तुझे ऐसा पत्थर बोलकर चुनूंगा कि तेरे द्वारा मैं दूसरे लोगों को पकड़ूंगा और उनको मैं क्रिश्चियन बनाऊंगा मैं उनमें बसा करूंगा और वो मेरे लोग होंगे. आणि तुझ्या द्वारे मी लोकांना क्रिश्चियन करून मी त्यांच्यामध्ये बसेन ते माझ्या मध्ये बसेल. पहिला उसने किसको बनाया पहिला कोणाला बनवलं किसको बांधला कोणाला बांधलं पत्रस पेत्राला. और पत्रस ने फिर कितने जनों को बांधा पेत्राने किती लोकांना बनवलं बाजू में आपल्या बाजूला ताकि प्रभु की इमारत बन सके प्रभूची इमारत बनावी चर्च बन सके चर्च बनावा 3000 लोग 3000 लोकांना. ऐसे करके सारे शिष्यों ने क्या किया सर्व शिष्यांनी काय केलं उस जो कलीसिया बांधने के लिए उन शिष्यों का इस्तेमाल किया था 12 शिष्यों का 12 शिष्यांचा वापर केलेला उन शिष्यों ने अपने अपने जगह पर त्या शिष्यांनी आपल्या आपल्या जगह उनको रखा था ज्या ठिकाणी ठेवले असे उन लोगों को उन्होंने भी बांधा. आणि तिथे त्या लोकांना त्यांनी बांधले. उन्होंने क्या किया मनुष्य को बनाया त्यांनी माणसाला बनवलं. कैसे बनाया कसं बनवलं मसीह के राज्य में रहने के लिए आणि ख्रिस्ताच्या राज्यात राहण्यासाठी येशू के राज्य में रहने के लिए येशूच्या राज्यात राहण्यासाठी हम येशू के राज्य में रह सकते थे. आपण येशूच्या राज्यात राहू शकत होतो का नाही हम पापी थे पापी होतो. परमेश्वर का राज्य पवित्र आहे आणि देवाचं राज्य पवित्र आहे आणि हम पापी थे आपण पापी होतो. जो पवित्र आहे जो पवित्र आहे वही रह सकते आणि ते राहू शकतो. परमेश्वर ने क्या किया देवाने काय केलं उसके मसीह दासों के द्वारा आणि ख्रिस्त पवित्र किया आपल्याला पवित्र येशू के रक्त येशूच्या रक्ताने येशू को जैसे हमने ग्रहण करवाया उनके द्वारा आणि येशूला जसं ग्रहण करवलं त्यांच्या द्वारे तो प्रभु ने हमारे सारे पाप को क्षमा आणि प्रभु ने सगळे पाप क्षमा केले और हमें मसीह बनाने के लिए आपल्याला ख्रिस्ती बनवण्यासाठी उस व्यक्ति का जो प्रभु उस प्रभु ने क्या किया अपने सहकर्मी का इस्तेमाल किया प्रभु ने आपल्या सहकर्मीचा वापर केला आपको बनाने के लिए तुम्हाला सारे व्यक्तियों को बनाने के लिए दूसरा व्यक्ति ना बनवायला ताकि उनके अंदर से सारी बुराई को दूर करे आणि त्यांच्या मधला सगळा वाईटपणा दूर करा. इसलिए पौलुस कहता है पौल म्हणतो 10वे वचन में 9वे वचनात की हमें परमेश्वर ने आणि देवाने आपल्याला ऐसा अधिकार दिया असा अधिकार दिलाय की परमेश्वर मनुष्य को बनाने का आणि माणसाला बनवण्याचा बिगाडने का बिगडवण्याचा नाही. आज प्रभु हमसे ये कहता है की हमारा परमेश्वर जो हमें बनाता है आपला देव जो आपल्याला बनवतो आपण सकते यिर्मयाह अध्याय 18 में अपने मनचाहा
के अनुसार उसको जो अच्छा लगा उसके अनुसार उसने उस बर्तन को दूसरा रूप दिया आणि त्याच्या मनाला जसं आवडलं तसं त्याने त्या मटक्याला दूसरा आकार दिला बर्तन को उसने उठा के फेंका नहीं ते भांडं त्याने उसने फेकलं नाही बिघडलं माझ्या घरात जायचं परमेश्वराने इस्रायली बचाने के लिए और मूसा को भेजा निर्गमन तीन में पढ़ सकते हैं अच्छा सात से वो वचन है इस्राएली लोकांचा अहंकार इस्राएली लोकांचा अहंकार उनका दुःख त्यांच्या पीडा मी ऐकले उनकी पीडाएं मैंने सुनी म्हणून मी त्यांना वाचवण्यासाठी इसलिए उनको बचाने के लिए काय केलेलं आहे मैंने क्या किया है उतरून आलेलो मैं उतर कर आया हूँ जुने नियम मध्ये मोशेच्या द्वारे नए नियम में परमेश्वर ने येशू के द्वारा हमें उद्धार दिया नवीन नियम येशूच्या द्वारे आज येशू हमें बनाता है आज येशू आपल्याला बनवतो परमेश्वर जो काम कर रहा है बनाने का मनुष्य को बचाने का आणि देव जे काम करते माणसाला बनवण्याचं वाचवायचं ख्रिस्ती बनाने का ख्रिस्ती बनवायचं बचाने का त्यांना वाचवायचं परमेश्वर के राज्य में उनको स्थिर करने देवाच्या राज्यात त्यांना स्थिर करायचं काम येशू भी करता तेच काम येशू पण करतो येशू ने वही काम उसके शिष्यों को यानी हम सब चर्च में आने वाले लोगों को दिया आणि येशू ने तेच काम चर्च मध्ये प्रत्येकाला दिले इसीलिए हम क्या करना चाहिए काय केलं पाहिजे हमें एक दूसरे को बनाना है आपण एकमेकांना बनवायचं एक दूसरे को बिघाडणार एकमेकांना बिघडवायचं नाही आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है देवाचं वचन म्हणतं की पौलुस कहता है खास करके और म्हणतो सिकंदर ने आणि हुमेनियस ने मुझे बहुत तकलीफ दी आणि हुमेनिया ने अलेक्झांडर ने मला खूप त्रास दिला इतना तकलीफ दिया एवढा त्रास की जो मेरे साइड से रहते थे आणि जे माझ्या तर्फे असायचे उनसे वो विरोध करता आणि त्यांचा तो विरोध करायचा परमेश्वर उनका लेखा लेगा अंत में उनसे लेखा और उनके किए गए कामों के कारण यानी गिरे कामों में बहुत से मसीह क्या हो गए थे खूब सारे क्रिस्ती काय झाले थे थोड़े से पौलुस से दूर हो गए थे और पौला पसंद लाम झाले थे और पौलुस से दूर होकर जब ऐसी परिस्थिति में पौलुस गिर गया था तब ये सब पौलुस से छोड़कर चले गए अन्य सर्व पौला सोडून निघून गेले हां पढ़ सकते तब उसने पौलुस ने देखो कैसी प्रार्थना की अन्य पौला ने कैसी प्रार्थना की कि निकालेंगे तिमोथी की पत्री तिमोथेला पत्र अध्याय 4 चौथा अध्याय नाही दुसरा तिमोथी दुसरा तिमोथी का पत्र दुसरा तिमोथेला पत्र अध्याय 4 चौथा अध्याय और उसका जो मैंने आपको बताया था ना सिकंदर और हुमेनियस आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं 14वें वचन में लेकिन आप 16वां वचन पढ़ना है आप अपने बाइबल में पढ़ो 14वां और 15वां वचन कहते हैं हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो भटकाते हैं और मनुष्य को बिगाड़ते हैं सोला पहिल्या वेळेस मला न्यायाधीशापुढे उभे करण्यात आले तेव्हा मेरे जीवन में तकलीफ आई मेरे जीवन में संकट आया और मुझे न्याय के सामने खड़ा किया गया मेरी परीक्षा की घड़ी में तेव्हा येथे माझ्या मदतीसाठी कोणीच नव्हते मेरे सपोर्ट करने के लिए मुझे कोई नहीं था जो लोग हमेशा पौलुस को सपोर्ट करते थे पौलुस के लिए अपनी आंख भी निकाल कर दे सकते थे अपनी जान भी दे सकते थे ऐसा प्यार करने वाले लोगों को किसने बिगाड़ा ये सिकंदर ने बिगाड़ दिया हूँ आप आगे के अध्याय में भी पढ़ सकते हैं का भी नाम आया है ये लोगों ने क्या किया इन्होंने लोगों को भड़काया और इसी कारण से उसकी परीक्षा की घड़ी में ये सब लोग क्या हो गए दूर हो गए सर्वजन पड़ोन गिरे होते हैं सब भाग गए जैसे देखा और उसको पकड़ा आता पड़ोया नहीं था हम उन्हें ये ना मला मदद करना ये ना तू तो अपने चल सा ये ना वो पड़ोन जाओ ये सब छोड़कर भाग गए ताकि पौलुस को सपोर्ट नहीं मिले
लेकिन उन लोगों को बिगड़ाया क्यों? उन लोगों ने बिगड़ाया क्यों नहीं? परमेश्वर ने मसीहों को क्यों चुना? आंधीवाने क्रिस्तियों का आधार उसके द्वारा बहुत आत्माओं को चुना, उनके द्वारा खूब आत्माएं ना निकल चुना का नहीं बढ़ रहा, ताकि वो दूसरे मसीहों को यानी दूसरे मनुष्य को मसीह बनाए, आते दूसरे लोगों ने क्रिस्ती बनवा ऐसे ही बोला ना। पतरस को यीशु क्या बोला? तू मेरे पीछे बोले मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला, मैं मांस पकड़ने वाला बन रही। और उसने मनुष्य को पकड़ा ना, मैंने मानसला पकड़ा, यीशु के लिए मनुष्य को पकड़ा, यीशु के लिए मानसा ना पकड़ा ना, जिंक ना ना, है ना। तो क्यों, किसके लिए? अपने लिए जिला, अपना संगर बनाने के लिए जिला, संगर संगर बनने के लिए जिंक लगा। मसीह का सर्वेंट, मसीह के लोग, मसीह के बच्चे बनने के लिए उनको पकड़ा था, आणि क्रिस्ता से मुला बनवने साठी त्यांना पकड़ लेला। तो फिर उन्होंने क्या करना चाहिए, काय केलं पाहिजे? उन्होंने जो चर्च में आने वाले लोगों का, चर्च मध्ये उनका ख्याल करता, नई आत्माओं को यीशु के पास लाना चाहिए, अजून नवीन आत्म्यांना यीशु कडे आणलं पाहिजे। लेकिन कभी कभी चर्च में ऐसे सिकंदर जैसे, हुमेनियस के जैसे जो निकल जाते हैं, आणि अलेक्सांडर सारखे आणि हुमेनियस सारखे काही लोक निघतात, हाँ, जो क्या करते हैं, जे काय करतात, वो कलीसिया के लोगों को भड़काते हैं, मंडळीतल्या लोकांना भड़कवतात, कलीसिया के लोगों को भड़काता, मंडळीतल्या लोकांना भड़कवतात। आपण पढ़ सकते हैं हुमेनियस का नाम इधर है, पहला तिमोथी, पहला तिमोथी पत्र अध्याय एक, अध्याय एक जो आप बोलेंगे हिंदी तो बोली पूछा अध्याय तो वाचा पर हुमेनियस का नाम होता नहीं है, एक उन्नीस बीस, उन्नीस बीस फर्स्ट तिमोथी चैप्टर वन, पहिला तिमोथेला पत्र अध्याय वर्स 19 and 20, 19-20 फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1, पहिला तिमोथेला पत्र अध्याय वर्स 19 and 20, 19-20 क्रिस्तावरील तुझ्या विश्वासाला घट्ट बिलगुन रहा, आणि जे योग्य आहे असे तुला माहित आहे तेच करून आपली सच्चर विवेक बुद्धी नेहमी स्वच्छ ठेव, कारण काही लोकांनी आपल्या विवेक बुद्धीच्या विरुद्ध जाणून बुजून त्यांना अयोग्य म्हणून, हा बघा लक्षपूर्वक, काही जण काय करत आहे आपल्या विवेक बुद्धीच्या विरुद्ध, जे विवेक बुद्धी आहे त्यांनी, जी विवेक बुद्धी त्याला म्हणतात कॉन्शियस, कॉन्शियस काय सांगतो, आपल्याला मार्गदर्शन करतो, हमें क्या करता है, हमारी जो विवेक बुद्धि है वो हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान देता है, परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए सिखाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ मेरा विवेक बुद्धि मुझे कैसे बताता है, जब भी मुझसे कुछ बात करती है, आप मुझसे बात तो नहीं बोलता, तो मेरी विवेक बुद्धि परमेश्वर के साथ जुड़ी होने के कारण, माझी विवेक बुद्धि देवा से जुड़ी नहीं है, आपको बताती हूँ इस विवेक बुद्धि में मुझे परमेश्वर बताता है, आप खोटा बोलते हो, अरे झूठ बोल रहा है, हाँ सा लबाड़ी करते, अरे ऐसे झूठ बोल रहा है, आईकून की बच्चू पने और सुन के नहीं और थोड़ा काय होते थे जायुष और देखा कि क्या होता है, आप कभी कभी बोलते हो ना धीरे धीरे ये गोष्ट कशी करते, विवेक बुद्धि से द्वारा परमेश्वर बात करता है, विवेक बुद्धि से द्वारा देव बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिनकी बुद्धि विवेक बुद्धि कितना भी परमेश्वर के बारे में बताओ, तेरा कितने देव बदल सकते, कितना अच्छा बोलो, कितने चांगले बोलो, परमेश्वर ने कितने अच्छे काम किए, देवा ने कितने चांगले काम किए, सब उनको कुछ भी याद नहीं रहे, सर्व देना का ही लक्ष्य है, पहले कैसे थे, पिछाने पे सोए थे, पिछाने झुक रहे, चलते नहीं थे, चालत ना होते, सब कुछ बेड पे था, सर्व बेड पर, ये उनकी विवेक बुद्धि में याद नहीं रहेगा कि अरे ये उस समय मुझे प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, त्यावेळेस मला प्रभु ने आरोग्य दिले, कैसे परिस्थिति में था, कशा परिस्थिति में, घर की तरह प्रभु ने अच्छा किया, आज माझं घर देवाने किती चांगले, आज मेरे हाथ में धन है, आज माझ्या हातात धन है, जो कुछ प्रभु यीशु के कारण है, जे काय आहे प्रभु यीशु ने आहे, जब विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक बुद्धि वेगळी होते, यानी परमेश्वर के साथ जुड़ी नहीं रहती, देवाशी जुड़ू नहीं रहा, परमेश्वर के साथ जो वार्तालाप रहता है, देवाशी जो वार्तालाप होता नहीं पा रहा है, नहीं पा रहा है, वो नहीं सब उसकी विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वो बोलता है कौन सा देव, कौन सा परमेश्वर, सब लगे माने मुझे सब मेरे घर में भूल जाता है कि मैं बिछाना पकड़ा होता, और मैं बिछाना पकड़ा था, मैं बिछाने और झोपो दो, और बिछाने पर आज एक दिवस अच्छी परिस्थिति थी कि मेरा ठगाया सुधर जाता है, मुझे बाथरूम में जाने के लिए नहीं जम रहा था, अशी माझी आदत होती, अरे सारी हालत यीशु ने बरो केले, और आज मुझे यीशु ने चलाई थी, सब भूल जाते हैं, कभी जब विवेक बुद्धि भ्रष्ट होते, जब विवेक बुद्धि भ्रष्ट होते, कॉन्शियंस तसा नसतो, और विवेक बुद्धि ये दोनों ही विश्वासी है, और ये दोनों भी विश्वासी यीशु कडे आले, यीशु के पास आए, हां यीशु काहीतरी चांगले केले असेल, इनकी भी जिंदगी में कुछ अच्छा किया होगा, यीशु ख्रिस्ताने चांगलेच केलं, यीशु मसीह ने अच्छा किया होगा, पण त्यांनी काय केलं, क्या किया उन्होंने, आपल्या विवेक बुद्धीच्या विरुद्ध जाणून बुजून त्यांना अयोग्य म्हणून, जाणून बुजून त्यांनी ही काम केली, का केली, कारण त्यांना देवापेक्षाही पौल आवडला नाही, असं म्हटलं नाही ते म्हटलं चालेल मला पौलूच नको, मला जळून झाली पौला, पौल एवढा वाढला सगळे बघा तेव्हा पौल पौल पास्टर जी पास्टर पास्टर जी पास्टर करता ते आता इतकंच तरी झालं, त्यांना बरोबर वाटत नव्हतं, त्यांना काय वाटत होतं, आता आम्ही प्रभूकडे आलो, हा प्रभू के पास आहे ना, आम्ही प्रभूकडे आलो, हमें सब लोग पीछे पड़ना चाहिए, अरे आम्हाला सगळे मान उचलना चाहिए, आमचं नाव उंच झालं पाहिजे, इसीलिए वो लोग क्या करने लगे पौलुस के,
त्यांना अयोग्य म्हणून माहीत असलेल्या गोष्टी केल्या. अशा रीतीने देवाला उघड प्रतिकार केल्यानंतर त्यांचा ख्रिस्तावरील विश्वास लवकरच नाहीसा झाला. यात नवल नाही. हुमन आहे व अलेक्सांद्र हे दोघे असल्या लोकांची उदाहरणे आहेत. ख्रिस्ताच्या नावाला कलंक आणू नये. ख्रिस्ताच्या नावाला कलंक आणू नये हे ते शिकेपर्यंत शिक्षा करण्यासाठी मला त्यांना सैतानाच्या स्वाधीन करावे लागले. शेवटी त्याला काय करावं लागलं? ते एवढे बिघडवत गेले लोकांना, एवढे लोकांना बिघडवत गेले. ओला बदल निंदा कर, ह्याची निंदा कर, त्याची निंदा कर, गलत शिक्षण शिकव, गलत बातें सिखा, गलत बातों को सिखा कर. आखिर में पौलुस को क्या करना पड़ा? उसको अरे वाचलं नाही, आता ऐकलं नाही तुम्ही? हाँ बराबर बोले. उसको किसके हाथ में सौंपा? क्यों सौंपा? का सौंपलं? खाना
ये लो, ये इसे ये चपाती है, ये भाजी, ये भाजी है। हाँ गरम है रे, पता ही नहीं तुम्हें गरम है। और खाओ, आपको टेस्ट नहीं है, चल नहीं है। क्यों? और हम लोग के साथ थाली पहले देख के बोलते, वाह कितनी चार, है ना? जब मटर, दाल, चिकन, ऐसे हम आइटम देखने के बाद मुंह में ऐसे पानी आते हैं। जो किचन में प्रार्थना कर बच्चे लोग ऐसे देख रहे थे, बहुत अच्छे बोल रहे थे। तुमने बोला चाहिए शांति देंगे। ऐसा मीठा बात करता है, आदिम रहते तो वो आदिम रहेंगे। न
नंतर त्याने तरुणांना विचारलं, फिर उसने जवानों को पूछा, तरुण होता ना, अब वो जवानों को तरुणांना विचारलं, जवानों को पूछा आप बताओ क्या बोलते हो, तुम्ही बोला काय बोलता, बोला मेरी ये जो उंगली है ना आणि माझे हे जे बोट आहे तो निये, त्याला आपण मराठीत करमळे बोलतो आणि हिंदी मध्ये तिथे लिहिलेला आहे तो शब्द, आता मला आठवत, तो वो जो उंगली है ना मेरे बाप के कमर से भी जाड़ी है, माझ्या बाबाची जी कमर होती ना, अर्पिताजी की जो कमर थी, माझ्या बाबाची जी कमर है ना अर्पिताजी त्याच्या पेक्षा जाडी आहे माझी ही बोट, एवढं मी तुला तुम्हाला बघा त्रास आहे, अरे इतना मी तुम्ही तकलीफ देऊ, माझ्या बाबाने तर काठीने मारलं, मी तुम्हाला बिच्छूच्या काठीने मारलं, अरे बिच्छू की काठीचे मार, मला मी एवढं खोडून काढेल, अरे एकदा असं बोल म्हणजे ते तुला धाका करते ना, ती तुझ्या आधी जाते, अरे असं बोल तो तरी अजून नाही और तुझे डरेंगे, काय झालं क्या हुआ, तुम्हाला सल्ला बरोबर होता, किसका सल्ला बरोबर था, तरुणांनी त्यांना बिघडवलं, अरबी जवान था, खरं म्हटलं तरुणांनी कुणाचं जास्त ऐकलं पाहिजे, जवानाने ज्यादा किसका सुना, तरुणांना काय ज्ञान आहे, जवान को क्या ज्ञान, असे जस्ट पिल्ला अंड्यातून बाहेर निघाले, अंडे से बाहेर निघाले, पुढं त्यांना जग बघायचंय, कावळा बघायचाय, काय काय होत, अन्न शोधायचंय, हे सगळं काम त्यांना आता पुढं करायचंय, ऑलरेडी जे म्हातारे झालेत कोंबडे त्यांनी काय अंड्यातून बाहेर निघून कावळ्यांशी सामोरा केलाय, स्वतःला लपवले, अन्न शोधलंय, प्रॅक्टिस करून आता ते म्हातारे झाले, बरोबर ना, म्हणजे त्यांना अनुभवी त्या बालपणाच्या मधून ते निघाले, अनुभवाचे निघले, खरी गोष्ट आहे, आता आम्ही पण तरुणांमधून आता उतारवायत आलो ना, काय होतात ते आम्हाला पण माहित आहे, क्या होता है मालूम नाही, तेरे को क्या मालूम है, जवानी के दिनों में ऐसे बाल रखने के, अरे जवानी हम भी जवानी में थे, हमारे बाल नीचे ही थे, झगड़े नहीं थे, तो ये सब उस एज से हम भी गए हैं, अंत्य वयात ना आम्ही पण गेलो, हम अनुभव से बताते कि उन दिनों में क्या होता है, आणि अनुभवाने सांगतो की त्या दिवसामध्ये काय, आम्ही धोके खाए तुम धोके मत खाओ, आणि फसवणूक आम्ही सहन केली तुम्ही करू नका, है ना, इसीलिए वो लोग बताते हैं ना, सांगतात सलाह क्यों देते जवान को, का सलाह देतात तरुणांना, अजून तुम्ही उडले नाही, अभी आप उडे नाही, फक्त पंख बाहेर आले, पंख निघले, तर ते पंखावरच्या चोरावर ताकद मारू नका, उडू नका, प्रयत्न करू नका, प्रयत्न मत करू, अजून त्या पंखांना भरायला ताकद येऊ दे, अरुस पंख को ताकद आणे, अनुभव घ्या, अनुभव घ्या, इसलिए क्या हो गया, रघुबियम बिगड़ गया, रघुबियम बिगड़ना बिगड़ गया, बालक राजा, बालक राजा उसने मिलाम को बिगाड़ लिया ना, पैसों का लालच दिखा के, अरे बड़ा बड़ा बिगड़ो तो पैसों से, परमेश्वर ने उसको बोला तू श्राप नहीं देना, मैंने उनको आशीषित किया, अंधे को बोला श्राप दे, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं, मैंने उनको आशीष दिया है, तना मैं आशीर्वाद, पैसों का लालच, पैसों से लोग, पैसों के लालच ने क्या किया, पैसे से लोगों ने क्या किया, मिलाम ऐसा ऐसा हो गया, बड़ा मसला हो गया, लिया गरीबो गेट का गाड़ी बैठ गया गरीब पे, हम बस का गाड़ी नहीं, जाने लगा हम जाऊ लगा, क्या करने के लिए, इसराइलियों को श्राप दे, इसराइलियों का ना श्राप देगा, किसने बालक ने उसको बिगाड़ा ना, बालक ने बिगड़ा, बालक जब उसके पास आया, मैं तुझे मेरे राज्य का आधा संपत्ति दूंगा, तुझे चाहिए होता ना धन दूंगा, तेरा मान सम्मान करूंगा, तो मान सम्मान करे, उसने क्या करना चाहिए था, काय करायला पाहिजे, तो बिलाम ने बोलला मत करता ना, बालक वाले तू क्या बात करता है, तू काय ऐसा मत कर, असं नको बोलू, ऐसा समझाने के बजाय वो खुद भी बिगड़ गया, जो स्वतः पण बिगड़ा, ने बिगड़वाया और वो बिगड़ते गए, हम बालक बिगड़ू लगला तो अजून बिगड़त गेला, आखिर में सामने कोण खड़ा था, छोटी कोण उभा होता समोर, स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर मारने ही वाला था, तो गोली का मुंह खुला, आणि मारणार होता तो पर्यंत गाडी कसं तो मुंह खुला, सीखो आज श्री हो प्रभु हमसे यही सिखाता है, प्रभु हमें यही सिखाता है, क्या सिखाता है, परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए चुना है, देवों ने अपना बनाने से नहीं, बनाने के लिए नहीं, बिगड़ने से नहीं, इसीलिए ये दोनों ने क्या किया, काय केलं, उसके अगेंस्ट कितने लोगों को बिगाड़ा, पौला जब मुझे कितने जन ने बिगड़ो, इसीलिए सब लोग भाग गए, सर्व जन कौन गए, और फिर देखो पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है, और क्या प्रार्थना करता हूं, जो हमने आधा वर्ष पढ़ा था, दूसरा दिन की तबरती अध्याय 4 का, या कसोटीस मी उतरलो आहे आणि मी खरोखर प्रभूच आहे हे तुम्ही मान्य करू शकाल अशी माझी आशा आहे, तुम्ही चांगली जीविते जगावी अशी आमची प्रार्थना आहे, सब छोड़ के उसके भड़कावे में आकर
सर्वजण पळून गेले होते, याचा दोष त्यांच्यावर येणार नाही अशी मी आशा करतो. हाँ, जो लोग ने क्या हुआ पौलुस को छोड़कर चले गए थे, भाग गए थे, तो मैं उन्हें नियस ने सिकंदर से पूरी रीति से भड़काया. उस समय ये सब भाग गए थे, इसलिए वो बोलता है कि मुझे मालूम है गलती इनकी नहीं है, गलती किसकी है, सिकंदर और मेनियस की है, ताकि ये लोग ने भड़काया इसलिए लोग छोड़ के गए, इसलिए प्रभु उनसे लेखा नहीं है. परंतु प्रभु माझ्याजवळ उभा राहिला आणि ध्येयाने माझ्या संपूर्ण संदेशाची घोषणा व्हावी. आमेन. मालूम हुआ इसलिए प्रभु विनती करता है कि प्रभु उस बातों का लेखा नहीं ले. आपको समझा प्रियो, यही अनुभव यहूना ने भी लिखा है. आणि हा अनुभव योहानाने पण लिहिला आहे. यहूना की पत्री अध्याय 3, योहानाचं पत्र अध्याय 3, यहूनाचा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 अध्याय चॅप्टर 1 सारे शिष्य सारे प्रेरित आग बंद करके चले गए थे. यही एक अकेला था, सारे प्रेरितों में यही एक प्रेरित बचा था. अब उस समय में जितनी कलीसिया थे सब लोग मसीह लोग यहूना का सुनता था. यहूना जो भी बोलता था कलीसिया को उसके पत्रियों को सब अच्छा रीति से ध्यान से सुनते थे. लेकिन यही एक जो था दियोनिफिस, ये जो उसका नाम है, ये क्या करता था, ये यहूना के जैसा बड़ा बनना चाहता था. अभी बड़ा बनने के लिए उसने क्या किया, यहूना के अगेंस्ट बात करना चाहता था. क्या करना लगा, यहूना के अगेंस्ट बात, कलीसिया के अगेंस्ट बात. आणि माझे ऐकण्याचे तो सक्षम नाकारतो. वो जो बोलता था बोलता तुझे नहीं. यहूना बोलेगा बेटा, नेचुरली वो बुढ़ा था ना, उम्र हुई थी, तो वो बोलता था बेटा जाओ ये लेकर आओ, मैं नहीं जाएगा, मैं क्यों जाऊँ, चर्च में दूसरे हिब्रू भी नहीं, उसको बोलो मैं क्यों जाऊँ. सब सभा के सामने वो हमेशा क्या करता था, यहूना का इंसल्ट करता था. मी येईन तेव्हा तो करतो त्यांच्यापैकी काही गोष्टी माझ्याबद्दल, तो ज्या दुष्ट गोष्टी सांगत फिरतो आणि जी अपमानास्पद भाषा तो वापरत असतो याबद्दल तुला सांगेन. हाँ, उसके पीछे भी वो बहुत बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसके अगेंस्ट बात कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है. यानी वो रिफ्यूज को क्यों चुना था, प्रवासी सुवर्तिकांचे आगत स्वागत तो स्वतः तर करतच नाही, पण दुसऱ्यांनीही ते करू नये म्हणून तो सांगत असतो. दुसरों को वो सिखाता है ऐसा नहीं करो, अरे हम लोग कमाने का कोई भी आएगा वो मैं सुनिया उसको तुम घर में लेगा, हम नहीं लेने का, लिया तो देख. ऐसा करके वो चर्च के लोगों को क्या करता था, भड़काता था, इसे इसे क्या करता था, लोगों को बिगाड़ता था. आपको समझा, ऐसे चर्च में जो प्रभु की दया से हमें उनके मन के इसमें जाएंगे, जो दूसरा कमियों की पत्री हम पढ़ रहे थे, प्रभु ने हमको बनाने के लिए चुना है. प्रभु ने अकेला बनाने से नहीं बढ़ना सही है. जो 10 वर्ष 10 वर्ष मी आता हे तुम्हाला लिहितो म्हणजे ह्या आशेने की परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इसलिए तुमको बताता हूँ, आल्या तिथं आल्यावरती मला तुम्हाला राखवावे व शासन करावे लागणार नाही. कारण तुम्हाला शासन करण्यासाठी नव्हे तर तुम्हाला परमेश्वर की इच्छा नाही की आपको डांटे, आपको मारे, आपको नरक डाले या पृथ्वी पर आपको शिक्षा मिले, ये प्रभु की बिल्कुल इच्छा नहीं है. फिर तर तुम्हाला सबळ करण्यासाठी परमेश्वर आपको सबळ यानी बलवान करने के लिए ऐसी ताकत दे रहा है जिसके द्वारा आप निर्बलों को क्या कर सके, बलवान कर सके. जो बिगड़े हुए हैं उस बर्तनों को, उन लोगों को, उन मसीहों को एक अच्छा रूप दे सके. मैं आपको बताती हूँ, मैं तुम्हारा सामने, आप मेरे सामने देखो, अभी मैं सब बता, जब मैं अगर इसे कुछ बोल तो मुझे कुछ पता चल के अगर अभी
चपात दिवशी गेल्याच्यानंतर ना तिथे खूप त्रास, किती वेळ घेतात ते लोक, लय वेळ लागतो. आणि 3 तासापेक्षा 3 तासाची प्रार्थना असते ना, मग 3च तासामध्ये प्रार्थना आटपली पाहिजे, किती वेळ होऊन जातो. हा बघ ना ग, काय करायचं, या बाया दिदीला काही काळजी असतात नाही. मग ती मी शिकलेली आहे ग्रॅज्युएशन कुठं राहिलं, बाया काळीची तिला आग लागत नाही. माझी सुद्धा काळी असते, तिला आग लावू शकतो, पण तिला कशी आग लावतो, बोलायचं काय त्या ढगच नाही. हे कसं निघालं, अगे कैसे निघला, तिला मी सपोर्ट केला ना अजून, मग काय म्हणेल अजून, अभी मैंने उसको ऑलरेडी फुल सपोर्ट किया है, उसमें और हिम्मत है, अरे अजून हिम्मत आहे. अब वो दूसरे और जा रही है, त्यांना काय ते तिथंच राहतात. आणि 3 तासाची प्रार्थना असते, 3 तासाच्या प्रार्थनेमध्ये किती वेळ घालवून टाकतात, त्या तिथेच राहतात. त्यांना काय फक्त पायरी उतरून खाली जायचं असतं, आपल्याला किती कामं असतात, कुठे कुठे जायचं असतं, किती काम असतात. हा असं नाही माहितीये का, आपण जर इथं विश्राम केला ना, आपण इथं 3 तास दिले आणि अजून जास्त तास दिले ना, तर देव आपल्याला काय करेल, तिथं विश्राम स्थानिक घेऊन जाईल. म्हणून तू असं बोलू नको आणि दिदींबद्दल पण काय बोलू नको. ही देवाची वेळ आहे, ही देवाला देतात. आणि माहिती आहे, आपण ज्यावेळेस 3 तास इथं बसतो ना, त्यावेळेस माणूस बनतो, घडतो, आणि आपल्याला सवय लागते जास्त प्रार्थना करण्यासाठी. ऐसा विरोध आणि असा विरोध ऐसा होणे पण असं झालं, थोडासा किचकिचाट आहे आणि थोडस ती मागे पुढे बघेल. आबा मात्र तिसरा व्यक्ती बघायला आज म्हटल्याच्या नंतर आपल्याला इथं थोडा कष्ट तर उचलावाच लागणार. आता काय करणार आहे सर ताई, ती चेंज कशी झाली. अरे कब करतील, जेव्हा त्याचा विरोध केला जातो, जेव्हा विरोध केला जातो त्याच्याने, ती जिथं बिघडली तिथं तिथं मलमपट्टी करणं, म्हणजे तिथं ते म्हणतात ना एखादं भांडण तुटलंय तिथं अजून थोडस माती लावून थोडस आकारांचं मटकं तुटलेलं, मला मटकं त्या मटक्यावरून मला माती दिली, अरे मटक्यावरून मिट्टी दिली, ती होळी करून त्याला लावून टाकली. अरे गेला आमचा ड्रम तुटला, ड्रम ड्रम काय लावलं, ड्रम कुक्याला काय एमसील धक्का दिला ना, काय ना दीदी, थोडा वेळ लावला.
आप भी एक औरत जब डिलीवरी करते समय जो दर्द होता है वैसे आप